नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दाऊद के रेस्टोरेंट की फिर लगेगी बोली। एक समय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक में रहे रेस्टोरेंट की एक नए सिरे से बोली लगाई जा सकती है। पत्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता बने एस बालकृष्णन औपचारिक रूप से संपत्ति को खरीदने के लिए जरूरी करीब 4 करोड़ रुपए जुटाने में नाकाम रहे। उन्होंने पिछले साल नीलामी में रेस्टोरेंट के लिए सर्वाधिक बोली लगाई थी। एनजीओ देश सेवा समिति चलाने वाले बालकृष्णन आखिरी दिन जरूरी राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं कर पाए। एक और दौर की नीलामी हो सकती है क्योंकि संपत्ति के लिए दूसरे सबसे बड़ी बोली लगाने वाले दाऊदी बोहरा मुस्लिम ट्रस्ट ने इससे अनिच्छा प्रकट की है। बालकृष्णन ने दावा किया कि मैंने दाऊदी बोहरा ट्रस्ट से बोली की राशि अदा करने और इलाके की बेहतरी के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन उन्होंने डर या अन्य किसी वजह से मना कर दिया। बालकृष्णन ने दिसंबर में दाऊद की संपत्तियों की बोली में पकमेडिया स्ट्रीट स्थित दाऊद के घर के पास दिल्ली जायका नाम के रेस्टोरेंट की बोली 4.28 करोड़ रुपए की लगाई थी, जो सबसे अधिक थे। संजय दत्त की रिहाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका। आम एक्ट के तहत 5 साल की सजा भुगत रहे अभिनेता संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ बंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त के अच्छे बर्ताव की वजह से उनकी सजा 116 दिन पहले खत्म करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता प्रदीप भालेकर ने आरोप लगाया कि संजय दत्त को फायदा पहुंचाया जा रहा है तथा राज्य में 27,740 अन्य कैदी इसी आधार पर रिहा होने के हकदार है। उन्होंने कहा कि याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पठानकोट हमले के आंकड़ों का खुलासा। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हालिया पठानकोट हमले के पीछे के आंकड़ों के रूप में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर सहित 4 लोगों की पहचान की है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा यहां एजेंसियों ने यह सबूत पाने का दावा किया कि साजिश लाहौर के पास रची गई। सूत्रों ने दावा किया कि इन 4 लोगों के बारे में जानकारियों को पाकिस्तान के साथ उचित माध्यम से साझा किया गया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ भविष्य में किसी बातचीत के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को एक शर्त के रूप में रखा है। यह पूछे जाने पर कि इन 4ों के खिलाफ भारत पाकिस्तान से क्या कार्रवाई चाहता है, तो सूत्रों ने बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और नई दिल्ली को सौंपा जाना चाहिए ताकि जांच में उनसे पूछताछ की जा सके।